ये यश यहाँ पे बैठ के खोद के नाखून में फंसा के अपने मुंह में डालेगा। ये इसके लिए कैल्शियम और आयरन का मेन सोर्स है। हाँ, इसकी बहुत पिटाई होती है, उसके बाद भी ये इसको खाता रहता है, निकालता रहता है। यश, क्या तुम्हारी पिटाई खाने का मन हो रहा है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी पिटाई करी जाए? तुमने नाखून से खोद खोद के दीवारें कमज़ोर कर दी है, ये बहुत ही गलत बात है। इसके लिए हम पुलिस में शिकायत कर सकते हैं तुम्हारी, समझे? और लड़के, पुश पुश पुश, क्यों बदमाशी कर रहे हो? नहीं बेटा, किसी दिन दीवार गिर जाएगी, दीमक की तरह तुम चाट रहे हो सारी दीवारें। गधे, नो, नहीं खोदो, नहीं खोदो। अरे 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 अरे, एक तो इसकी उंगली का नाखून जो है ना, वो तेज है, घिसा रहता है इस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रगड़ता रहता है इसको, लेकिन उसके बाद भी ये अपने नाखून का इस्तेमाल बंद नहीं करता। तुमने क्या दीवारों का हाल बना रखा है, तुम्हारी वजह से इधर उधर सब तरफ अखबार और टेप वगैरह चिपकाए गए हैं। हाँ, बहुत शरीफ हो तुम, खाते तो वो नहीं, नीचे फेंक रहे हो, है ना? चलो आ जाओ इधर, आ जाओ। यह है मिस्टर यश, उम्र 2 साल और 1 महीना, 1 महीना भी नहीं, 2 साल और 25 दिन। इनका फेवरेट काम है दीवार खोद खोद के उससे चूना और मसाला खाना। फिर जा रहे हैं अपने फेवरेट डिश के पास, फेवरेट डिश के पास बैठ के ये चोरी छुपे खाते हैं, ये चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं। क्यों भैया, क्यों सीना चोरी कर रहे हो? फिर तुम ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, बड़े शरीफ, वो खा नहीं रहे हो, नीचे फेंक रहे हो, है ना गधे? इतनी मोटी मोटी पपड़ी भी निकलती रहती है। हाँ, फैसिलिटी भी इसके लिए बढ़िया है ना। हाँ, ललचा रहा है लेकिन इस वक्त मुंह में नहीं डाल रहा है, पपड़ी मुंह में डाल रहा है। हाथ में रखा है, दौड़ क्या के दिखाता भी है। नहीं बचा, एक बोतल और लेगा, सोच रहा पूरी ऊपर से टाइल से एक बार।